हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी एंड कौन है वो पर्सन, उनके बारे में हमें क्या चीज़ें पता चलती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दो ऑप्शन हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप या तो कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, इट मीन्स आपकी इंट्यूशन आपको जिस ओर ले जा रही है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर लें, या आपको समझ नहीं आता तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑप्शन नंबर वन, ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर वन के लिए है। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर टू, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर टू की रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं या तो फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, उनके बारे में हमें क्या चीज़ें पता चलती है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, और आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। एंड आपकी रिलेशनशिप स्टेटस अभी जो भी है आप देख सकते हैं, इट मीन्स आप सिंगल है, आपके लिए है ये रीडिंग, या तो फिर आप किसी के साथ डील कर रहे हो या सेकेंड मैरिज थर्ड मैरिज के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ओके। एंड टाइमलेस है तो आपके सामने कभी भी आती है, इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखिए, जितनी रेजोनेट होती है उसको रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए दोस्तों तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर वन, आपकी शादी किससे होगी। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर वन। वी हैव कोर्टशिप, पहला कार्ड आपके लिए आया है कोर्टशिप का। नंबर फोर कैन बी इंपॉर्टेंट, मंथ ऑफ अप्रैल कैन बी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। वी हैव चाइल्ड, ओके। वी हैव मेन मेल, लेट मी टेक मोर कार्ड्स आपके लिए, हम देखते हैं कौन है वो जिनसे आपकी शादी होगी। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे है, हैंगमैन, थ्री ऑफ कॉइन्स। The world. We have three major arcana cards, five of wands. Bottom में the moon है, lovers है, four of wands है, the emperor. So सारे major arcana cards back to back आपके लिए यहाँ पर। So मैंने एक light off कर दिया क्योंकि cards पे बहुत ज़्यादा light था, वो reflect कर रहा था, ये cards आपको नज़र नहीं आ रहे थे, okay. So यहाँ पर मुझे जो signs नज़र आ रहे हैं वो Capricorn है, okay. एरीज स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सैजिटेरियस, ये साइंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे 18 है, 12 है, ओके, 33 आपकी एज हो सकती है, 15, 21, ये नंबर्स यहाँ पे दिखते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपकी एज 51 है या फिर 15 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ डेट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। एंड जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी ना वो मुझे यहाँ पे दिखता है एज में आपसे कम होंगे, ओके, एज में आपसे कम हो सकते हैं या फिर करेंटली वो पर्सन स्टूडेंट है या कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है, इधर वो आपसे एज में छोटे हैं या करेंटली वो पर्सन काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में है अपने करियर के या फिर स्टूडेंट है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पे दिखता है कि ये वो पर्सन हो सकता है, या तो पास्ट में आपने इनसे डील किया है और इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, और विद द डेविल एंड द फाइव ऑफ वैंड्स हो सकता है करेंटली आप लोगों का रिलेशनशिप पॉज पे चल रहा है, इट मींस आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो बट ये पर्सन और आप में अभी तक मैरिज की बातें नहीं हुई है, शादी तक बात नहीं पहुँची है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, करेंटली आप मे बी किसी के साथ डील कर रहे हो और उनके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक मैच होती है तो डेफिनेटली ये वो पर्सन होंगे, ठीक है, यहाँ पे दिखता है।
हो सकता है ये बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, इनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर इनको बुक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, ज्ञान इकट्ठा करना, ये वो पर्सन है। सो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप करेंटली डील कर रहे हो और ये वो पर्सन यहाँ पे दिखते हैं। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सिंगल हो, ये आपके लिए नया कनेक्शन होगा और आप इस पर्सन से या तो कॉलेज में मिल सकते हो, कहीं कुछ सीखने जाते हो वहाँ मिल सकते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे मिल सकते हो, या तो फिर आप में से कुछ लोग कहीं ट्रैवल करने गए हो वहाँ पर इस पर्सन से आप मिलोगे। ओके, तो आप गिफ्ट शॉप पे मिल सकते हैं। ओके, या आप कुछ खरीदने गए हो किसी के लिए गिफ्ट, तो डेफिनेटली ये वहाँ पर आपको मिलेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पर मुझे दिखता है। काफ़ी हैप्पी पर्सन है, काफ़ी इन्जॉय करना पसंद है इनको, एंड प्लान बहुत अच्छा करते हैं, बहुत प्लान करते हुए दिख रहे हैं। और विद द डेविल एंड द फाइव ऑफ वैंड्स, हो सकता है आप इनकी एक ऐसे ट्रेट समझ सकते हो जिसको आप नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इनको बहस करने की आदत हो सकती है। ठीक है, बहस कर सकते किसी बात पे। आपकी अगर इनसे लड़ाई हो जाए तो इनमें इस बात की इमैच्योरिटी दिखती है, इस पे वर्क करने की ज़रूरत हो सकती है इस पर्सन को, कि ये बातों को अगर इनसे किसी की लड़ाई झगड़े हो जाए तो इस पे वो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं या गुस्सा करते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है, बहस करना। जब ये गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो ये फिर क्या बोल रहे हैं इनको पता नहीं होता। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस टाइम पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे निकलते हैं जिसको बाद में ये पर्सन अफसोस करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। डेफिनेटली बहुत बार इनके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने बहुत कुछ बोला होगा, या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और फिर बाद में इनको अफसोस हुआ है। बहुत टैलेंटेड पर्सन दिख रहे हैं, वी हैव मेन मेल। इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हो सकते हैं और इस पर्सन ने आपको कभी ना कभी बताया होगा अगर आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आप इनसे मिल चुके हैं। अगर आप सिंगल हो तो फिर आप फ्यूचर में देखोगे जब मिलेंगे कि ये पर्सन इस बात में काफ़ी इंटरेस्टेड है कि अपने पेरेंट्स का सपना इनको पूरा करना है। ठीक है, इनके पेरेंट्स का दिया हुआ कोई सपना, या फिर इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ कहा हो, उस बात को लेके इन्होंने अपने मन में प्लान कर लिया, अपने खुद से वादा किया है कि इनको वो काम करना है। ठीक है, वो चीज़ें दिखती है। बहुत ब्रेव पर्सन दिख रहे हैं, जल्दी से किसी से हार नहीं मानते। ओके, और इनको अगर कोई प्रोवोक करे किसी बात के लिए तो ये चैलेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको ना इस बात के लिए, अगर ये चीज़ें इनके अंदर एक कमी भी हो सकती है, ये आसानी से प्रोवोक हो जाते हैं, इनको जल्दी से गुस्सा आ सकता है अगर इनको इनका कोई फ़ायदा उठाना चाहे और इनको गुस्सा दिलाना चाहे, ठीक है, उकसाना चाहे, तो फिर ये पर्सन बहुत जल्दी से उस बात के ऊपर में ये ध्यान नहीं देंगे कि सामने वाला पर्सन मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्दी ये पर्सन गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल इंटेंशन, इंसान की पहचान करने में इनको प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें यहाँ दिखती है। ओके, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। हु इज़ दिस पर्सन? कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे। ओके, और ये पर्सन अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। ओके, लाइक इन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है वो उसको पूरा करेंगे। वी हैव स्पिरिट इंटीग्रिटी कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म। We have wealth. We have 1+8, 9, और यहाँ पे 9. 9 number can be important. Okay. Number 7 can be important. And then we have fear. So यहाँ पर दो number आपके लिए काफी important नजर आते हैं, number 9 और number 7. ठीक है, जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाता है आपके पर्सन की नेचर को, उनकी क्वालिटी को। ओके, और क्योंकि यहाँ पे पाइसिस का द हैंगमैन का कार्ड है, जो कि इस बात को कंफर्म कर रहा है। ओके, इट मींस कि नंबर 9 बताता है कि आपके पर्सन काफ़ी इस पर्सन को आप ह्यूमैनिटेरियन वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, और लोगों के बारे में काफ़ी सोचते हैं, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। और वी हैव नंबर 7 और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, तो ये पर्सन विजडम गेन कर रहे होंगे। जब आप इनसे मिलोगे तो ये पर्सन डेफिनेटली, ये एनर्जीज पहले थी कि ये पर्सन कुछ सीख रहे होंगे अपने लाइफ से, और कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं। ओके,
एंड डेफिनेटली यहाँ पे नजर आता है ये पर्सन सोल सर्चिंग, बहुत डीप थिंकर हो सकते हैं, कम बोलना और बहुत ज़्यादा सोचना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, क्या सच्चाई है सोसाइटी में। जितने भी कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी शो ऑफ करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं और इनको वो सभी चीज़ें, ठीक है, वो फेकनेस, उस चीज़ से ये पर्सन दूर रहते हैं और इनको बहुत बुरा लगता है कि लोग फेक क्यों होते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचना। डीप थिंकर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। एंड वी हैव दिस कार्ड कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म। आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो आपको डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े अलग लगेंगे, अलग सी बातें करना, बहुत सीरियस बातें करना, ठीक है, या फिर आपको इनके वर्ड्स कुछ ना कुछ अलग लगेंगे। एंड डेफिनेटली ये पर्सन वेल्थ अपने लाइफ में इकट्ठा करेंगे। वी हैव दिस कार्ड वेल्थ, बहुत हार्डवर्क करके अपने लाइफ में वेल्थ इकट्ठा करेंगे। वी हैव फियर, तो आपको डेफिनेटली जब ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स आप लोगों के बीच में, ओके, कुछ लोग हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को, या तो आपके पेरेंट्स या इस पर्सन के पेरेंट्स, आप थोड़ा सा फियरफुल हो सकते हैं कनेक्शन को लेके, या फिर इस पर्सन को देख के कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और फिर ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे, या जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि ये पर्सन आपके साथ आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं, क्योंकि इनका फोकस हो सकता है इनके करियर पे है या फिर अपनी सोल सर्चिंग, ठीक है, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना। हैंगमैन का कार्ड है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डाउट में ला सकती है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन मुझसे शादी करेंगे भी कि नहीं, या फिर हम लोग हमेशा इसी तरह से रिलेशनशिप पे रहेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। नाउ लेट्स सी क्या पता चलता है ऑप्शन नंबर वन आपके लिए। आपके लिए आया है वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, ओके। सो यहाँ पे फियर है, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेगी, तो आपको थोड़ा डर लग सकता है डेफिनेटली, इसलिए ये कार्ड है यहाँ पे इस चीज़ को ये कन्फर्म करने के लिए आया, फियर, ओके। इफ यू कैन रीड दिस, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप लोगों के कनेक्शन को थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको फील करवा सकती है, जैसे कुछ भी चीज़ हो सकती है ये, आप इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें, ओके। बट डेफिनेटली आपकी इस पर्सन से शादी होगी, क्योंकि हम इस चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं, हु विल यू मैरी, ओके। तो ये आपके डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर है, तो यू विल मैरी दिस पर्सन, बट ये चैलेंज यहाँ पे नज़र आते हैं, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, ओके। तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा रिस्की कनेक्शन है, कुछ चीज़ें हो सकती है। एंड सी यहाँ पे फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट यू, तो कुछ चीज़ें होंगी इस कनेक्शन में थोड़े से चैलेंजिंग, बिफोर मैरिज आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कुछ लोग हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर, इस पर्सन के फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, ठीक है, जो इनिशियली आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ा चैलेंज क्रिएट करेंगे, इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंस एंड गाइडेंस, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपको इस कनेक्शन के लिए कुछ किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ओके। तो देर विल बी समवन जो आपके अगेंस्ट भी होंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, तो आपकी फ्रेंड आपको इस कनेक्शन में हेल्प करेंगे, कोई भी आपकी फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको इस कनेक्शन में या तो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सिचुएशन के बारे में। वी हैव करियर, तो ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में, वी हैव करियर एंड वेल्थ, तो ये पर्सन वो होंगे जो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में, ओके। इनके पास एक अच्छी पोजीशन होगी और वेल्थ, तो डेफिनेटली इनके पास काफ़ी वेल्थ होंगे। चलिए हम देखते हैं आपके लिए और हमें क्या पता चलता है। हु विल ऑप्शन नंबर वन मैरी, चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, और यहाँ पर भी चाइल्ड है। द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू, ओके। तो ये जो पर्सन होंगे ना काफ़ी स्पेशल पर्सन है, ठीक है,
एंड यहाँ पर एक स्टार सीड्स की वाइब आती है. ये पर्सन बहुत जल्दी से लोगों में घुलते मिलते नहीं है, बहुत अलग सोच हो सकती है इस पर्सन की. ओके, लाइक मैक्सिमम लोगों की जैसे सोच होती है वैसे डिफरेंट होगी इस पर्सन की सोच. ओके, अगर इनको कोई फेक लगता है, कोई दिखावा करने वाला पर्सन, तो ये उससे दूर हो जाएंगे. साथ ही साथ ये आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना. चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, सो डेफिनेटली ये काफ़ी अलग किस्म के पर्सन होने वाले हैं. इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद यू, एंड अगेन यहाँ पे इंटेलिजेंस है एंड यहाँ पे हैंगमैन है. तो ये पर्सन, इनका लाइफ पर्पस, ये अपने लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा करेंगे, कुछ बड़ा इनका पर्पस हो सकता है, लाइफ पर्पस, लोगों की हेल्प करना. ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा. या ये पर्सन कुछ बुक लिखेंगे इन फ्यूचर जो लोगों को गाइड करे, और बहुत सारा टाइम इस पर्सन का अपनी सोल सर्चिंग में, ट्रुथ को जानने में, ओके, स्पिरिचुअलिटी में इनका बीतेगा टाइम, ठीक है ना. वो चीज़ें यहाँ दिखती है. लेट्स सी, एंड इट डजेंट मीन कि ये पर्सन आपके साथ टाइम नहीं बिताएंगे. ओके, तो वो एक अलग चीज़ है, ये इनके पर्सनालिटी का पार्ट है कि ये पर्सन सोल सर्चिंग में, लोगों की भलाई के बारे में सोचना. बट डेफिनेटली जब ये पर्सन लोगों के बारे में इतना सोचते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचेंगे. ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है. लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है. अबंडेंस, वाव, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगे, काफ़ी अबंडेंट होंगे, हैप्पीनेस, एंड डेफिनेटली ये फाइनेंशियल अबंडेंस भी होगी जो आपको आपकी मैरिज में मिलेगी. एंड इफ़ यू बिलीव, सो आपको भरोसा रखना है. ओके, इनिशियली या फिर आपको जब इस पर्सन के साथ आप मिलोगे तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, बट आपको बिलीव करना है. सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको किसी न किसी तरह से डिफरेंट दिखेंगे. ओके, और उससे डिफरेंट पीसफुल रिजोल्यूशन. ओके, तो अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, ओके, वो सभी सॉल्व हो जाएंगे, बट आपको भरोसा रखना है. सी हमें चिट से और क्या पता चलता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए. सो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है, तो हो सकता है आप रिसेप्शनिस्ट हो या ये पर्सन रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं. एडिक्शन, एंड यहाँ पे डेविल है, तो कुछ चीज़ का किसी को एडिक्शन हो सकता है, ठीक है. या तो आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, और ये किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना. किसी अल्कोहल, बुक्स पढ़ने का, सोशल मीडिया का, ठीक है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन ये हो सकता है. एंड वी हैव फेयर, तो ये पर्सन स्किन कलर इनका फेयर हो सकता है. एंड वी हैव जेमिनाई, एंड नाउ वी हैव बोर्ड. ओके, तो ये पर्सन अपने लाइफ में थोड़ा बोर्ड फील कर सकते हैं कुछ चीज़ों से. ओके, एंड हो सकता है इनको लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है, खास करके फेक लोगों के साथ रहना, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो या फिर बनावटी हो, जिनके अंदर जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, ट्रू फीलिंग्स नहीं है, वैसे लोगों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. वी हैव डॉक्टर, तो ये डॉक्टर हो सकते हैं. हो सकता है ये डॉक्टर है और आप रिसेप्शनिस्ट हो, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है. टॉकेटिव, तो हो सकता है आप काफ़ी टॉकेटिव हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी दिखती है कि ये कम बोलते होंगे. वी हैव लेटर ए, तो ये लेटर हो सकता है इस पर्सन का. एंड लवर, तो कुछ लोगों के लिए आपके करेंट लवर हैं, एंड यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है आप लोगों की. वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टॉल, तो ये पर्सन लंबे होंगे, इनकी हाइट ज़्यादा होगी आपसे. नंबर 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट, मंथ ऑफ फरवरी में मिल सकते हो, 2 साल का एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में. एंड हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन. ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना. बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है, ये रीडिंग आपकी है. और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, ठीक है, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है जिनसे होगी आपकी शादी. एंड दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है उसको आप रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें. डिस्क्रिप्शन चेक कर ले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए. आप सिंगल हो, इस रीडिंग को देख सकते हैं. रीमैरिजेस के लिए, सेकेंड थर्ड मैरिज के लिए देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को.
जनरल रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, ऑप्शन नंबर 2। रीडिंग को पूरी देखिएगा। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, प्लीज टेल मी हु विल ऑप्शन नंबर 2 मैरी। गिफ्ट नंबर 17, नंबर 17 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। एंड ये 11 नंबर, 39 कम्युनिटी, एज हो सकती है आपकी 39। चलिए और भी कार्ड्स लेंगे हम एंड देखते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कहीं अभी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, जब आप घर से बाहर उस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कॉइन्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 777 नंबर, और ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए 777 नंबर, इफ यू कैन सी, ठीक है, 7 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा है। एट ऑफ वैंड्स, देखिए यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड 8 ऑफ वैंड्स आया। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप जब ट्रैवल कर रहे हो उस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आप अपने घर से दूर हो कहीं हो तब ये देख रहे हो, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। ओके, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें, आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, प्लेयर इट मीन्स स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, नॉट प्लेयर, ओके, या फिर यस वी कैन से प्लेयर हो सकते हो आप। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, ओके, या तो आप में से बहुत सारे लोगों की आप अभी वेट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, ओके, या फिर आप अभी अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपकी या तो बहुत रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुई है, या आप बहुत दिनों से सिंगल हो, बट यहाँ पे वेट दिख रहा है, आप वेट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपसे किसी ने प्रॉमिस किया हो मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए और आप वेट कर रहे हो, इवन दो यहाँ पर हो सकता है आपका कोई क्रश हो, या तो फिर आप किसी डिजायर्ड पर्सन के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे लेट मैरिजेस की सिचुएशन चल रहे हैं, और यहाँ पे लोनलीनेस दिख रही है, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने जिसको भी डील किया है उस पर्सन से आपको काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, वो पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव थे, चीट किया आपको। एंड यहाँ पे हो सकता है आप एक वुमेन हो या मेल भी हो सकते हैं, बट ये चीज़ें दिखती है कि आपकी पास्ट में कोई मैरिज टूटी है, बहुत बुरे तरह से आपको चीट किया गया, धोखा मिला है, और आप उस चीज़ को लेके काफ़ी अकेलापन आपके अंदर है, एक डर भी हो सकता है, और बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है जिससे आप पावरफुल बने हो, ओवरकम किया है बहुत सारी चैलेंजेस को और अकेले, ठीक है, बहुत सारी पेन को आपने खुद अकेले ही सहा है, हाइड किया है, मे बी अपने फैमिली को भी ना बताया हो कि आपके साथ वो चीज़ें हुई है, आपने उतना हार्ट ब्रेक या चीट आपने सहा है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपने अकेले बहुत कुछ सही है जिससे जिसके चलते आप पावरफुल बने हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग हियर, एंड आप अभी लाइफ में अपने सेटल होना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी पर्सन को, ओके, ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे दिखती है। सो वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लियो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है, ओके, एंड टॉरस हो सकते हैं,
ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट के जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेंगे, जितना आपने वेट किया है। वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव गिफ्ट। ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट के जैसे होंगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, जब आपको पेन मिला था या जब आपको चीट किया गया था, आपने काफ़ी लोनलीनेस दुख देखा और उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रे किया कि आपको आपके सही पार्टनर से मिलवा दिया जाए, तो डेफिनेटली ये उस प्रेयर का आंसर है। ठीक है, दिस इज़ द थिंग यर। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपको मे बी कुछ सडन वेल्थ आपको गेन होगा, कुछ पैसे मिलेंगे। ओके, कुछ अच्छी बातें होंगी आपके साथ, या तो आपके घर पे एक चाइल्ड बर्थ का न्यूज़ आपको मिलेगा किसी फैमिली किसी मेंबर्स के, ठीक है, जो काफ़ी दिनों से उस चीज़ के लिए वेट कर रहे होंगे। तो जो भी यहाँ पे दिखता है, जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो आपको या तो आपको एक सिग्नल मिलेगा, जैसे आप समझ सकते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है, लाइक आपको कुछ वेल्थ मिला है या तो आपको गुड न्यूज़ मिली है। एंड डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए आपके घर में किसी नए मेंबर का आना, वो चीज़ें यहाँ दिखती है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके करियर में आप ग्रोथ देख रहे हो। ओके, कोई पोजीशन मिलना, प्रमोशन मिलना, न्यू जॉब लगना, सो ऐसा यहाँ पे आपके लिए दिखाया जा रहा है। लेट्स सी हमें क्या और पता चलता है इस पर्सन के बारे में जो आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ बनेंगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस। We have healer of the ages. First chakra archangel Michael, very nice. The world. जिस पर्सन से आप मिलने वाले, ये काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने वाले हैं, थिंकिंग मैन की एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके प्रोफेसर टीचर हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन का जॉब हो सकता है, ये प्रोफेसर टीचर है, ठीक है, एंड काफ़ी इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन दिखते हैं। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है एंड ये आपकी लाइफ में एंजल ऑफ लव के जैसे आएंगे। और यहाँ पे फिर से आपके लिए यहाँ पे कार्ड है जर्नी का, ठीक है, ये सारे बॉटम ऑफ द डेक में है। तो हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान, या तो आप घर शिफ्ट कर रहे हो, वहाँ पर आप मिल सकते हो, किसी नई जगह पे आप गए हो जॉब के लिए, किसी डिजायर्ड प्लेस पे, एंड ये आपके लिए एंजल ऑफ लव के जैसे होंगे। बिल्कुल एक नई एनर्जी लेके आना, आपकी हीलिंग में ये पर्सन हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। एक बहुत ही ब्रेव पर्सन यहाँ पे दिखते हैं और समवेयर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास्ट में आपकी सबसे पहले तो लोनलीनेस दूर होगी, आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हो वो दूर होगा, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, ठीक है, आप इनसे आप काफ़ी अपनी पेन्स को शेयर कर सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आप जब भी सैड हो रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हो, आपके करियर में आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस होगा जो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको समय उस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी। आप हैप्पी फील करोगे कि ये पर्सन आपको एक फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह, साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर भी है, ठीक है। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनको जिम जाना पसंद होगा, एंड हो सकता है आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये पर्सन भी स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, वी हैव हायरोफंट, डेथ, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, सारे क्वींस आ गए, वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ट्स नहीं है, बाकी यहाँ पे तीन सूट के तीन क्वींस यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, और आपकी बातों को, ठीक है, आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन यहाँ पे फील करेंगे। जैसे आप कभी सैड हो तो ये पर्सन बहुत जल्दी से पता कर लेंगे कि आप सैड हो। ओके, बहुत ही आपकी केयर करते हुए दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत मदरली नेचर है, एंड डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आप हो सकते हो, ये आपकी बहुत केयर करेंगे। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है तो समवेयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, उस परेशानी को ये आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं।
क्वीन ऑफ वैंड्स, इस पर्सन के आने से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, वी हैव डेथ, आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, वी हैव द हायरोफंट, तो ये पर्सन डेफिनेटली कोई टीचर, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं और काफ़ी नॉलेज और काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है ना, और आपकी इनसे अरेंज मैरिज भी हो सकती है। सो आपको एक बहुत ही अच्छे गाइड, एक मेंटर आपको मिलेंगे ये पर्सन, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए गिफ्ट का आया है। सो इसलिए ये बात कंफर्म होती है, हायरोफंट की एनर्जी बहुत लॉयल्टी को दिखाता है, ठीक है, एक स्टेबल मैरिज को दिखाता है। एंड यस, आपकी एक रिलीजियस, एक ट्रेडिशनल मैरिज होगी, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं, स्टेबल पर्सन है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। फेयर वुमेन, तो अगर आप किसी, अगर आप मेल हो तो ये फेयर वुमेन होंगी, ठीक है ना, इनकी स्किन कलर के बारे में बताया जा रहा है। हैप्पीनेस, वाओ, तो ये आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे, खुशियाँ लेके आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है। भाव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू क्राउन, तो जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो वी हैव दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो रही है, कोई डर खत्म हो रहा है और आप अपने ऊपर वर्क करें, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, बहुत पावरफुल हो रहे हैं और मे बी आप कुछ ऐसा करोगे, ठीक है, जहाँ पर आपको ऑनर और रिस्पेक्ट मिलेगी इस पर्सन के आने की वजह से, ठीक है, आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हो या तो आपकी सोसाइटी में नाम बढ़ रही है, कुछ ऐसा आपको ये पर्सन गाइड करेंगे, क्योंकि हायरोफंट है, ये खुद तो बहुत अच्छे हैं ही, इनके साथ जो भी इनके कनेक्शन में आ रहा है, डेफिनेटली आपकी इनसे शादी होगी तो फिर वो पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, ये न्यू एक्सपीरियंस आपके लाइफ में लेके आ रहे, तो ये नए पर्सन होंगे आपके लिए, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे, कुछ नई बातें सीखोगे, ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखोगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, सी मैंने आपको कहा था ना, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड ना सिर्फ ये आपके लाइफ पार्टनर, आपके एक फ्रेंड के जैसे हैं, एंड ये मैसेज यहाँ पे कंफर्म होता है। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पे थी, सो दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके एक फ्रेंड के जैसे हैं, जब आपको कोई भी साथ ना दे रहा हो तो फिर ये पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, लेट्स सी हम और भी देखते हैं। सो आपने काफ़ी लोनलीनेस देखा है, तो उस और काफ़ी पेन देखा, हो सकता है आपने काफ़ी लॉयल्टी दिखाई थी पास्ट में और आपको लॉयल्टी नहीं मिली, ठीक है, तो जस्टिस होगा इस टाइम पे आपके साथ। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, बुके, तो ये आपको काफ़ी गिफ्ट्स देंगे, आपको काफ़ी तारीफ देंगे, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे, सो आप जैसे उस आपको वैसे ये पर्सन लाइक करेंगे, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेगी। और यहाँ पे फेयर मैन, अगर आप एक मेल हो तो आपकी शादी एक फेयर वुमेन से हो रही है, और यहाँ पे फेयर मैन है तो डेफिनेटली आप फीमेल भी हो, किसी भी जेंडर के, तो यहाँ पे आपके स्पाउस की स्किन कलर के बारे में बताया जा रहा है, फेयर मैन और फेयर वुमेन, ठीक है ना, तो दिस इज़ द थिंग, हो सकता है आप दोनों ही पर्सन फेयर हो, एंड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो ये पर्सन आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस लेके आएंगे। नाउ वी विल टेक मोर कार्ड, क्या पता चलता है एंजल्स को क्या बोलना है आपके कनेक्शन के लिए। यस, तो अगर आपको आपके मन में कोई सवाल है, किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये वही पर्सन है क्या, तो यस आपको कह रहे हैं एंजल्स, इट मीन्स कि आपके मन में जो भी सवाल है यस कहा जा रहा है। ओ माय गॉड, वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस, और यहाँ पर आपके लिए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, यहाँ पे हैप्पीनेस है, और एंजल्स कह रहे हैं दैट ये मैरिज आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लेके आएगा, ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है और कार्ड्स आपके सामने निकाले, ठीक है, तो यस डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आएगी। परफेक्ट टाइमिंग, तो आपके लिए ये मैरिज, ये कनेक्शन परफेक्ट टाइमिंग में आएगा, सो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, मे बी आपको वेट करना पड़ रहा है, और आपने हो सकता है पास्ट में किसी पर्सन के लिए काफ़ी लॉयल्टी दिखाई, वो पर्सन आपको इग्नोर करके चले गए, रिजेक्ट करके चले गए, चीट करके चले गए, तो यस जो चीज़ें ख़त्म हुई है वो आपकी बेहतरी के लिए हुई है, और जो आपके लिए परफेक्ट पर्सन है वो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग में आएंगे, और वो आपके लिए ब्लेसिंग ही जैसे होंगे,
ठीक है, दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू, ये आपके एक अच्छे फ्रेंड होंगे और काफ़ी लॉयल्टी होगी, आपको गाइड करेंगे आपके लाइफ की जर्नी में, आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, एंड आपके लिए क्राउन है तो आपको ऑनर और रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है, आप कुछ ऐसा कर पाओगे। सो जो भी चीज़ें हुई है पास्ट में वो आपके लिए काफ़ी अच्छी हुई है, चाहे वो आपको किसी पर्सन के साथ एंडिंग देखा हो, ठीक है, या काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हो, सिंगल हो, ठीक है, जो भी है, तो आपको जो भी वेट किया है ना वो सभी रिवॉर्ड आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से परफेक्ट टाइमिंग में। एंड रोमांस, तो काफ़ी रोमांस यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपके लिए आएगा, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आपके स्पाउस, चलिए देखते हैं चीट से हमें क्या पता चल रहा है। ओके, दिस इज नंबर फोर। नंबर फोर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप इस पर्सन से 4 वीक्स 4 मंथ्स में मिल सकते हो। 4 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। और मैरिज, तो आप में से कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स में आप इस पर्सन से मिलोगे, शादी की बात हो सकती है और अरेंज मैरिज, ठीक है ना, इसके लिए आपका कोई कनेक्शन आपके घर पे आ सकता है। मोस्टली यहाँ पे 90% लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज ही होगी। वी हैव जुलाई, और आप लोग जुलाई में मिल सकते हो, ठीक है, या आपकी बर्थ डेट हो सकती है या शादी हो सकती है। मुस्टैच, तो इस पर्सन के मुस्टैच हो सकते हैं। लेटर जी कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड राइटिंग, सो लिखने का शौक हो सकता है, ये राइटर हो सकते हैं या फिर इनको ऐसे ही लिखने का शौक हो सकता है, कुछ लिखते हो। लेटर बी कैन बी इम्पॉर्टेंट। नेचुरोपैथ प्रोफेशन हो सकता है आपका इस पर्सन का, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। वी हैव पी, लेटर पी कैन बी इम्पॉर्टेंट, पी बी एंड जी आया है, ठीक है। सो यहाँ पे बुचर है तो ये पर्सन बुचर हो सकते हैं, ओके। एंड मीट शॉप हो सकती है, ब्यूटी कंसल्टेंट ये पर्सन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये रीडिंग थी आपकी, ये मैसेजेस आए आपके लिए, आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, सेफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।